ओके, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू न्यूमेरिकल्स ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। 7 सवाल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इसे आगे। देखें, क्वेश्चन 8 मैं रीड कर रहा हूँ, उसके साथ साथ आप लोगों ने सॉल्यूशन करना है। अ बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी कितनी दी हुई है? द बस इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, मूविंग विद वेलोसिटी यानी ये कौन सी वेलोसिटी हुई, चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी हुई, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। बिकॉज बस अभी क्या कर रही है? चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है बेटा? 72 किलोमीटर पर। मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्जन इसकी करनी पड़ेगी हमें, जाहिर सी बात है। अब क्या होगा ये देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लें जरा। इधर 72 जो भी किलोमीटर की वैल्यू होगी उसको लिख लेंगे, और 1000 से मल्टीप्लाई करा के किससे डिवाइड करते हैं, ये जो दो चीजें हैं ये आपकी क्या हैं, कांस्टेंट हैं। हमेशा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। और वेलोसिटी हमेशा किस में होती है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालनी है। ओके, नाउ लिसन, ये दो जीरो से दो जीरो क्या हुए, 36 1 36 2 2 10 20, यानी कितनी वेलोसिटी आ गई बेटा मेरे पास, 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। 500 मीटर का उसने डिस्टेंस दिया, उसके बाद क्या हो गई, रुक गई। डिस्टेंस कितना है बेटा, 500 मीटर का डिस्टेंस लिया है, ठीक है। फाइंड द डीएक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द ब्रेक्स, क्या निकालनी है हमें, एक्सीलरेशन, ठीक है, क्या निकालनी है, एक्सीलरेशन हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, टाइम नहीं है ना, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, टाइम है, ठीक है, टाइम नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जो लिखवाया गया है वो नहीं लिखवा सकते। ये वाली इक्वेशन में हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, ये देखिए 2a, s की वैल्यू 500 इज इक्वल टू, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्यों, क्योंकि गाड़ी अभी चल रही है, उसकी फाइनल वेलोसिटी तो कोई है ही नहीं, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 20, 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना बना, 1000, ये खत्म हो जाएगा, 20 20 400, सही है, 1000 यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू -400 डिवाइडेड बाय 1000, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा बेटा, क्या बन गया, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट्स बता चुका हूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोबारा बताता चलूं इसकी सॉल्यूशन में आपको, फाइव हंड्रेड टू से मल्टीप्लाई हो गया, 1000 हो गया, 1000 ए, उसके बाद 20 20 था 400 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया, खत्म कहानी, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था, नाइन, क्वेश्चन 9, मिटा दूं कर लिया तो, ओके, okay?
क्वेश्चन 9 पढ़ रहा हूं मैं, देखिएगा आप लोग भी। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक गाड़ी है जो कि किससे स्टार्ट हुई है, कौन सी वेलोसिटी जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। जब भी कोई गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट लेती है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी अब जो भी होगी, सही है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई मेरे पास, जाहिर है रेस्ट पे है तो कोई इनिशियली वो चल ही नहीं रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, स्टार्ट ले रही है, ओके। अच्छा, देन वी हैव अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ये कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल वी एफ, वी आई और वी एफ का फर्क है ये, ठीक है, इनिशियल और फाइनल। इन 5 सेकेंड्स, अब क्या दे दिया आपको टाइम, कितना टाइम दिया है, 5 सेकेंड्स, ओके हो गया। अब फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, क्या निकालना है एक्चुअली, डिस्टेंस मतलब एस, एक्सेलरेशन दी हुई है, कैसे लगा सकता हूं एस का फॉर्मूला, फिर एक्सेलरेशन पता ही नहीं है, आप अगर गौर करें तो दोनों फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें क्या होता है कि जब भी डिस्टेंस निकालना होगा तो एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। तो अब क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना है बेटा 5, 20 को जरा 5 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वही वाला लगा दें, तीसरी वाली इक्वेशन 2as is equals to vf square minus, ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी है 4, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, vf कितना था बेटा मेरे पास 20 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, 4 2 जा 20, 20 जा अभी बताया 8, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या होगा डिवाइड, एस इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाय 8, 400 को जरा 8 से डिवाइड कर लीजिए कितना आ जाएगा मेरे पास 50 मीटर। ठीक है, आसान सी चीजें कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई टिपिकल नहीं है, बस ये चीजें क्या मांगती हैं, प्रैक्टिस, बार बार फॉर्मूले याद होना चाहिए आपको और कहां क्या अप्लाई करना है ये चीज जरूरी है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया था इस सवाल में, अ कार इज मूविंग, गाड़ी कैसे चलती है, यूं चलती है, यूं यूं तो नहीं जाएगी ना, ये दीवार पे चल रही है, ऐसा तो नहीं है, तो ये वर्टिकल केस तो नहीं हुआ, ये कौन सा केस हुआ, हॉरिजॉन्टल केस हुआ, ठीक है। अब जो सवाल रह गए हैं वो किसके हैं, वर्टिकल केस के, अब सारे, यानी कोई भी फ्री फॉलिंग बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से, ठीक है, एक पॉइंट लिखिए, वर्टिकल केस के सवाल में, वर्टिकल केस के सवाल में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगी, हमेशा, कोई भी बॉडी फ्री फॉलिंग है मतलब ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, हमेशा, और एक्सेलरेशन कितनी होती है 9.8, कांस्टेंट है ये जी की वैल्यू, बस छोटे जी की वैल्यू होती है 9.8, अगर ऊपर से नीचे आ रही है और नीचे से ऊपर जा रही है तो -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन 10, मिटा दूं ना,
स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर, एक पत्थर फेंका गया, ड्रॉप होता है टावर से, तो ये तो नहीं है ना कि उस तरफ चला जाएगा। जब मैं यूं छोड़ूंगा तो क्या होगा, कौन सा केस बन गया, वर्टिकल, ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप फ्रॉम आवर टावर टेक 5 seconds टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लिया उसने, 5 seconds लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, 5 seconds लिए नीचे आने में, सही है यहां तक। उसके बाद आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, बस और कुछ नहीं दिया हुआ, क्या निकालनी है इसकी हाइट। एक चीज और बताइए, एक चीज मैंने यूं छोड़ी, ठीक है, छोड़ दी मैंने, ये तो नहीं है कि यहां चला जाएगा। जी की वैल्यू क्या है, 9.8 या -9.8, कौन सी माइनस क्यों होगी, माइनस कौन कह रहा है, आवाज आई, क्योंकि नीचे जब जाएगा स्टोन तो उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, और ऊपर जब जाएगा तो, उल्टा बोल रहा हूँ, पॉजिटिव होगी और ऊपर जब जाएगा तो नेगेटिव। ओके, नाउ सी, एक और पॉइंट अभी मैंने बताया, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो। चलें, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये जीरो कहना अभी से भारी पड़ने वाले। अब ये देखें, मैं वैल्यूज डालूंगा अब इसमें, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, टाइम कितना है बेटा, 5। जी की वैल्यू मैं बता चुका हूं, 9.8 या 10 भी ले सकते हैं, मसला नहीं है, राउंड ऑफ करना चाहें तो 10 भी ले सकते हैं, मसला नहीं है वो, ठीक है। और टी कितना है बेटा मेरे पास, 5। ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई हो वो जीरो हो जाता है, ये वाली वैल्यू बचेगी ना बस, 5 का स्क्वायर बेटा 25। अब आपने करना क्या है, सुने, इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसे 2 से क्या कर देना है, डिवाइड करें, बताएं, अच्छा ये जो बुक में है ना इसमें जी की वैल्यू 10, सुन लो इधर बेटा, बुक में जी की वैल्यू 10 ली हुई है इन्होंने, ठीक है, 9.8 को राउंड ऑफ करके क्या बन जाता है वो, एक ही बात है, स्टैंडर्ड वैल्यू 9.8 है, सही है, दोनों सही है वैसे, कोई ऐसा मसला नहीं है, बोर्ड में आपको दिया जाएगा ब्रैकेट में लिख के, टेक जी इज इक्वल टू दिस, 9.8 या 10 जो भी दें वो ले लीजिएगा, अगर यहाँ पे 10 दिया जाए तो 10 को मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा, 125 आंसर आएगा जो कि बुक में है, सही है। नेक्स्ट 11, फरमाइए, ओके, क्या क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, मिटा दूं, अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 meters per second, एक बच्चे ने बॉल फेंकी, बच्चे ने नहीं, एक लड़के ने बॉल फेंकी 20 meters per second की वेलोसिटी से, थ्रो करना मतलब वर्टिकल केस है ना, ठीक है, तो क्या होगा ये बेटा, फाइनल वेलोसिटी होगी, जाहिर सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमेशा क्या होती है, जीरो। अब जरा गौर से सुनिएगा बेटा इसे, दिस इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ठीक है, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, अब थ्रो करके उसने वापस उस बॉल को क्या किया, कैच भी किया, ठीक है,
अब आपको क्या निकालना है कि कितना टाइम लगा बिटवीन थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल, टी निकालना है मतलब बेसिकली हमें, ठीक है। अच्छा वीएफ हमें दी हुई है, क्या फॉर्मूला है बताइए, ये फॉर्मूला लिखा था वर्टिकल केस का पहला फॉर्मूला मैंने बताया है। वर्टिकल केस का पहला फॉर्मूला है ये, सही है ना। वीएफ कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। चलो इसको 10 ले लेते हैं इस दफा, 10 जाके वापस भी तो आइए, ठीक है दोनों केसेस है, फिर 9.8 ले लो, 10 ले लो पॉजिटिव, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या होगा, कितना आ गया टाइम, ये टाइम तो थ्रो करने का टाइम है, अब इतना ही टाइम उसे कैच करने में भी लगा हुआ है ना, मतलब थ्रो की ऊपर गई 2 सेकंड के अंदर वापस आई, कितना हो गया, ऐसे कर लें, ये है टोटल आंसर, सही है, मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज जाने का टाइम 2 सेकंड्स और वापस आने का टाइम कितना हो गया 4 सेकंड्स। उसके बाद आते हैं 3.12 पे, कराऊं बेटा दूं या इधर कराए तुम, चलो बेटा इधर, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंका गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कितनी थी उसकी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, क्या निकालनी है सबसे पहले, हाइट निकालनी है एक तो, और उसके बाद कह रहा है द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ऊपर से वापस नीचे आने का पूरा टोटल टाइम आपने क्या करना है, निकालना है, सही है। अब क्या करोगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है जितनी देर कोई भी चीज़ जो है वो हवा में रहे वो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ओके। नाउ सी, चलें 2gh इज इक्वल टू तीसरा फॉर्मूला, ठीक है 10 ले लेता हूँ आसानी हो जाएगी। vf कितना है मेरे पास, 20, 400 और 20, ओके सही है, ये तो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है इनिशियल वेलोसिटी आपको बता चुका हूं मैं कि जीरो होती है। h इज इक्वल टू 400 को 20 से डिवाइड कर दीजिए, h इज इक्वल टू 20। अब दूसरी चीज उसने क्या कही है, टाइम भी निकालना है ना, जाहिर दो टोटल टाइम निकालना है उसी तरह से, ऊपर जाने का फिर वापस आने का, दोनों टाइम निकालने। अब ये देखिए, सही है, तो वहां से वो ये तो जीरो हो जाएगा, इसको खत्म कर दें, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, जी टी, और टाइम हमें क्या करना है, निकालना है 10, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, टी इज इक्वल टू 20 अपॉन, ये तो 2 सेकंड किसके हैं, वो करने के, अब वापस करने के लिए क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी टाइम आएगा उसको 2 से क्या कर देते हैं,
मल्टीप्लाई 4 सेकेंड टोटल टाइम। एक आंसर आपका ये है, ये चीज़ निकालनी थी, और दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी? मीटर है तो डिस्टेंस ही ना, डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके वहाँ तक का फासला ही है वो, तो उसका लेंथ का यूनिट जो होता है वो हाइट का भी होगा जाहिर है। कर लीजिए फिर लास्ट सवाल करते हैं 13। कॉपी कर लो अभी, अब हो गया 13 पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 13, इसके भी दो पार्ट हैं बेटा। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर, एक पत्थर फेंका गया 40 मीटर। अभी एक वो वाला केस तो नहीं है, थ्रोइंग एंड कैचिंग वाला तो नहीं है, जाहिर सी बात है, एक फेंका गया ऊपर से, बस आपको एक ही चीज चाहिए। हाइट कितनी है मेरे पास? 40 मीटर। ओके नेक्स्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अब ये पूछा गया है कि कितना टाइम लेगा ये जमीन पे आने में। टाइम हमें क्या करना है, निकालना है पहले पार्ट में। एच इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, बता चुका हूँ। एच कितनी दी हुई है मुझे? 40, इसकी जगह मैंने 40 लिख दिया, ये जीरो है। टाइम हमें फाइंड करना है, 1/2 ये 10 हो गया, और ये भी टाइम हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है जी, सही है। ये खत्म हो जाएगा है ना, जीरो से तो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जीरो ही हो जाता है। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या बनेगा? 5। 40 = 5t² ये बचेगा है ना, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, डिवाइड t² = 40/5, t² = 8, 8 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लेते हैं दोनों तरफ, रूट, स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो ये देखिए t² = √8, स्क्वायर से रूट क्या हुआ 8, किसका रूट होता है चेक कर लें, दिमाग खराब है, 8 का रूट ले लीजिए, एट लिखो, यही आएगा, ठीक है। अब निकालनी है दूसरे पार्ट में, व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। वेलोसिटी कौन सी होगी, इनिशियल होगी या फाइनल होगी? ये फाइनल, सही है ये फॉर्मूला, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। ये हो जाएगा बेटा 0, जी कितना है 10, और ये हमने अभी निकाला है कितना आया था, ये खत्म हो जाएगा, 10 को 2.82 से मल्टीप्लाई करा दीजिए कितना बना, 8 m/s, इट्स वेलोसिटी। मल्टीप्लाई करा दो बस, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 तोड़े आए, ठीक है। कल जो है मजीद असाइनमेंट के क्वेश्चंस और पास्ट पेपर से क्वेश्चन हम चैप्टर 3 के करेंगे, ठीक है। बुक के सवाल हमने पूरे कर लिए, तो 13 सवाल थे।